एसआरके के बेटे आर्यन और काजोल की बेटी नायसा एक साथ भाग जाने के सवाल पर एसआरके और काजोल ने दिया एपिक रिएक्शन। आखिर क्या कहना था काजोल और एसआरके का, आइए जानते हैं। साथ ही डीडीएलजे को कंप्लीट हुए पूरे 25 साल। शाहरुख खान और काजोल ना केवल ऑन स्क्रीन एक पॉपुलर जोड़ी है बल्कि रियल लाइफ में भी दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वेल, करण जौहर के शो कॉफी विद करण में काजोल और शाहरुख खान साल 2007 में आए थे। तब इस शो पर काजोल से अटपटा सवाल पूछा गया था जिसके बाद काजोल और शाहरुख खान ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया था। वेल, काजोल और शाहरुख खान का ये वीडियो आज के दिन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज डीडीएलजे को कंप्लीट हुए है पूरे 25 साल। बात करें काजोल के जवाब की तो बता दे कि करण जौहर ने अपने शो में तब पूछा था कि आज से 10 साल बाद अगर नायसा आर्यन के साथ फरार हो जाती है तो आप दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। इस पर काजोल ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि मैं कहना चाहूंगी कि दिलवाले दुल्हे ले जाएंगे। वेल, काजोल के इस आंसर से शाहरुख कंफ्यूज नजर आते हैं। वही करण ने शाहरुख के एक्सप्रेशन देखकर कहा कि शायद शाहरुख को ये पंच कुछ खास पसंद नहीं आया है। शाहरुख ने हंसते हुए कहा, मेरे को जोक समझ ही नहीं आया, मैं इस चीज को लेकर काफी डरावना महसूस कर रहा हूँ। अगर काजोल किसी भी तरह मेरे साथ रिश्तेदारी में आती है तो मैं ऐसा सोच ही नहीं पा रहा हूँ। गौरतलब है कि शाहरुख खान और काजोल स्टार फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को 25 साल पूरे हो गए और इस मौके पर दोनों भी स्टार्स काजोल और शाहरुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटोज डीडीएलजे के ही अपलोड किए हैं। शाहरुख ने तो अपना नाम बदल कर राज मल्होत्रा तक रख दिया। डालिए एक नज़र। बता दें कि डीडीएलजे ये आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म थी और मुंबई के एक थिएटर में ये फिल्म 2 दशक से भी अधिक समय तक लगी थी। वेल, फिलहाल आप हमें बताएं इस वीडियो पर और काजोल और एसआरके के जवाब पर आपकी क्या राय है। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।